देख रहे हैं कि किसान फिर एक बार लाइन में लगने के लिए, क्योंकि आज बाजरा बेचने के लिए अनाज मंडी तब आते हैं तो एक बार लाइन में लगते हैं क्योंकि टोकन लेना पड़ता है। टोकन के बाद में फिर अनाज मंडी के अंदर जब जाते हैं तो कहीं ट्रैक्टर की जो काफ़ी जो अनाज मंडी में जो जाम है उसका भी सामना करना पड़ता है। आखिर किसान क्यों परेशान है, उनसे हम बात करेंगे किसानों से ही। सर क्या कहना चाहेंगे, सर आप जो लाइन में लग रहे हो क्या कहना चाहेंगे? साहब खुले में बिकना चाहिए बाजरा, लाइन में तो पारना पड़े, मतलब बूढ़ा आदमी दुख हुआ दुख पार सुबह रात। अच्छा आपने पहले भी अपनी लाइफ में कई बार आपने देखा होगा किसानों में, तो कभी पहले देखा था टोकन सिस्टम या लाइन में लगना? ना पहले तो कभी ना देखे। तो पहले सही था क्या? आप सही है, पहले भी खराब थोड़ी भी खराब, अब क्यों खराब है, पहले क्यों खराब? बिकना चाहिए बाजरो 2500 बस, हम तो यहाँ कहा क्यों दुखी करे भाई। और भी है किसानों से? हाँ जी भाई, क्या कहना? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि किसानों को परेशान ना करें और खुले में 2500 पूरी मंडी में भाव ओपन कर दिया जाए, जिससे किसान परेशान, कोई भी किसान किसी भी हालत पे अपने माल को बेच सके। इतने किसान को आज वो होनी चाहिए आज़ादी, बाउंड ना करे कि लाइन में लगो, टोकन कटाओ, ये करो वो करो, कागजों के चक्कर में ही फंसे हुए हैं बहुत से किसान। तो इधर से उधर पूरा दिन हो गया, अनाज मंडी में ट्रैक्टरों का जाम लगा हुआ है पूरा, इधर से उधर पूरा दिन लग जाता है, नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं कोई खाने की व्यवस्था, कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो इसलिए किसान से, मतलब किसान यही उम्मीद रखता है कि खुली मंडी के अंदर 2500 रुपये बाजरा बिकवाए और हर आदत पे बाजरा 2500 में बिके, ताकि किसानों को पूरा भरपूर लाभ मिले और आगे भी किसान इस बाजरे की पैदावार को बढ़ चढ़ के और ज़्यादा पैदावार करे। यदि यही हाल रहा तो किसान इस फसल से भी मुंह मोड़ने लग जाएगा ये हालात देख के, क्योंकि यहाँ पे पैदावार करते हैं बड़ी मुश्किल से और फिर यहाँ पे खरीदने में बड़ी दिक्कत करती है सरकार। तो इसलिए इस फसल से भी किसान अपना मुंह मोड़ जाएंगे और हम तो यही कहना से मुंह मोड़ जाएंगे, फिर सरकार से मुंह नहीं, सरकार से भी मुंह मोड़ जाएंगे और फसल भी नहीं बोना, जब फसल भी नहीं बोएंगे आगे जब बिकेगी नहीं तो फसल भी नहीं बोएंगे और सरकार को तो वो कर ही जाएंगे, सरकार को तो आउट करेंगे किसान जो परेशान होंगे। तो अब ये जो लाइन में लग रहे हो ये सही है या पहले सही था? नहीं देखो पहले भी लाइन लगती थी लेकिन परेशानी उस टाइम भी थी किसानों को और आज भी है। उनकी समस्या का समाधान मतलब कि ना पहले हुआ ना अब हुआ, समस्या का समाधान तो तभी होगा। और भी एक किसान भाई उनसे बात कर लेते, युवा भी है उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप कब इस यहाँ पे लाइन में लगे थे? आप आज सुबह फिर से दोबारा लाइन में लगा हूँ मैं। दोबारा क्यों लगे आप? क्योंकि कल इन्होंने मेरा टोकन रिजेक्ट कर दिया कि आपका टोकन कट चुका है, तो आज दूसरे टोकन को लेके आया हूँ। मैं एक सरकार से बात करना चाहता हूँ, सरकार ने राजस्थान बॉर्डर पे पुलिस को बैठा दिया कि राजस्थान का बाजरा ना आए। जब आपके घर में बाजरा है तो राजस्थान का बाजरा लेके कौन आएगा? आपकी सरकार के अफसर ने उसको वेरीफाई किया है कि इनके बाजरा हुआ है, तो हमारे बाजरा हुआ, हम राजस्थान का बाजरा क्यों लाएंगे? और इतनी पुलिस वहां पे लगाई, इतनी आप मंडी में लगाओ, सुविधा करो, जाम ना लगे, हमें आसानी हो थोड़ी, सुविधा हो। और ये पुलिस वाले भी अपनी जान पहचान वाले को पीछे से टोकन ला के देते हैं और हम जैसे लाइन में खड़े रहो, धक्के खाओ, किसान के माथे पे लिखा हुआ है धक्का खाना। तो मैं तो यही कहूंगा किसान भाइयों, समझ जाओ, ध्यान दे लो, अगले साल 5 साल इन्होंने रखा, 1 साल में एक दिन हमारा भी है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को तो मैं क्या कहूंगा, पीछे से वो कहने कहा ना कि पीछे से गोला बारूद चल रहा है और आके पूछते, बोलो आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना चाहिए, वो तो मेरा दिल ही जानता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो तो मैं मतलब इससे दिखाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ। ये युवा थे जो कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार ने जब हमें जो लाइन पे किसानों को जो लाइन में लगाया, तो सरकार को भी आने वाले समय में उनको भी लाइन में इसी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि जो समय में जो इनको जो तकलीफ कहीं झेलनी पड़ रही है तो सरकार भी इस चीज़ को ध्यान दे।